11 जनवरी 1994 ये इतिहास में लिखित कोई घटना की तारीख नहीं है, बल्कि इस दिन मेरा जन्म हुआ, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ। जैसे जैसे मेरे कदम जिंदगी की आयु जैसे बढ़ती गई, विद्यालय में प्रवेश किया, अध्यापकों ने जो मुझे पाठ पढ़ाया, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में हमें समझाया गया। जैसे ही मैं 9वीं 10वीं कक्षा तक पहुंचा तो मेरे साथ क्या होता है, वहां पर मुझे अपनी वास्तविक पहचान से रूबरू होना पड़ता है। मेरी वास्तविक पहचान क्या थी? मैं एक दलित हूं, मैं एक हिंदू हूं, भारतीय हूं, यह पता बाद में चला। मैं एक दलित हूं, ये पहले पता चला। बच्चा तो कोरा कागज है, उस पर जैसे रंग डालेंगे वो वैसा बन जाएगा। मैं दलित हूं, ये मुझे किसने सिखाया? ये दलित है, ये कौन सिखाता है? मेरी मानो तो कोई विद्यालय, कोई अध्यापक ये नहीं सिखाता। ये कौन सिखाता है? एक घर सिखाता है। ये शब्द एक घर में सिखाए जाते हैं कि वो दलित है। ये घर में नहीं सिखाया जाता कि मैं दलित हूं। एक मां बाप की शिक्षा ही किसी दूसरे व्यक्ति को दलित बनाती है। इस देश के महान राजनीतिक विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा भारत में व्यापी बुराई के लिए? क्या कहा? इट वॉज एन एक्सीडेंट आई बोर्न इन इंडिया, अदरवाइज आई एम ब्रिटिशर। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? आई बोर्न एज हिंदू बट आई नेवर डाई एज हिंदू। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत में भारतीय समाज में व्यापी बुराइयों को देखा। तो इन बुराइयों को, ह्यूमन राइट्स पर एक्सप्लॉइटेशन को लेकर हमने जो व्यंग्य का आयोजन किया, इसका जो थीम है वो है औरत तेरी यही कहानी। क्योंकि इस समाज में औरत ही एक ऐसा पात्र है जो जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक हर प्रकार के अधिकार का उसका शोषण होता है। तो इस व्यंग्य पर आधारित जो एक मार्मिक कहानी है उसका दृश्य लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। दरअसल मुझे अपनी बीबी की जांच करवानी है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरे घर की जांच करवाई जाए कि मेरे पेट में लड़का है या लड़की, पर ये तो गैर कानूनी है। कोई बात नहीं, आप जितनी फीस बोलोगे हम दे देंगे, लिए तैयार। ठीक है, पर ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो
बच्चा गिरा दे। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी बच्ची को सिख को टैन से बच्ची बहुत
है।